एक और धमाकेदार वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे मेरी उन वीडियोस के लिए जिन पर केवल 4 व्यूज आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? इससे मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। चलिए टॉपिक को चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं एन एक्शन हीरो मूवी का। बहुत दिनों बाद एक अच्छी मूवी देखी है। फिल्म की शुरुआत एक एक्टर से होती है जिसका नाम है मानव। यहाँ मानव का किरदार निभाने वाले हीरो का नाम है आयुष्मान खुराना। और क्या ब्रिलियंट एक्टर है। इनका एक गाना भी है मिट्टी की खुशबू। वैसे कई सारे गाने हैं लेकिन मिट्टी की खुशबू मुझे मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कई बार सुना है। मानव में थोड़ा सा ईगो है भाई, एक्टर है तो हीरो ईगो ईगो तो होगा ही। शूटिंग के दौरान उससे मिलने आता है हरियाणा का एक डॉन का भाई जिसका नाम है विक्की। विक्की एक्सीडेंटली मानव के हाथों मारा जाता है। बाद मीडिया को पता चल जाती है और मानव लंदन भाग जाता है यूके में। तो उसके पीछे जाता है भूरा जो विक्की का बड़ा भाई है, बदला लेने के लिए, उसे जान से मारने के लिए ही जाता है। और भाई साहब भूरा एक अलग ही कैरेक्टर है, कभी भी किसी को भी मार देता है। फिल्म की शुरुआत में ही जब भूरा विक्की के पास जाता है तो दो पुलिस इंस्पेक्टर को मार देता है जो वहाँ पे लंदन के होते हैं। और भाई वहाँ पे क्राइम करना तो बहुत कर रहा काम है, लेकिन भूरा तो भूरा है। मूवी की बात करें तो भूरा मानव के पीछे, मीडिया मानव के पीछे, यहाँ तक कि डॉन उसे मानव को उठा के ले जाता है और उसे नचनिया की तरह जबरदस्ती नचाता है। यह चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये साले डॉन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मेरी बुद्धि खिसक जाती है। काश मैं इस मूवी में होता, मैं उस डॉन को वहीं चीर देता। पूरे बनने से पहले मैं उसे पटक पटक के उसके प्राण निकाल देता। लेकिन छोड़िए, मैं क्या कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कमाल है, लेकिन भूरा जो किलर है इसमें, भूरा जो बड़ा भाई है विक्की का, वो आपको बहुत पसंद आएगा। ये बंदा कभी भी किसी को भी मार देता है। बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो सिनेमाटोग्राफी एक नंबर भाई। कहीं से भी देख लीजिए, कोई भी सीन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई है। हर सीन में आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे क्योंकि, और आयुष्मान खुराना ने पहली बार एक्शन सीन किए हैं तो भाई साहब मैं तो फैन हो गया उनके एक्शन सीन का। स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया जाता है जब वो एक्शन सीन करता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी ऐसे ही जाने वाली है, और वाकई में जाती है। इसमें एक सीन है जहाँ DOP को पकड़ लिया जाता है, हरियाणा की पुलिस वहाँ उससे पूछताछ करती है। उस सीन पे आपको बहुत जोर से हंसी आएगी, मैं भी हंसा था ऐसे करके। तो अब क्या बात करनी है, अब तो सब खत्म हो ही गया, लिस्ट भी खत्म हो गई है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको छोटी सी शायरी सुनाना चाहूँगा। आप इंटरेस्टेड हो, नहीं भी हो, लेकिन मैं सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कि सुबह जब मैंने अलमारी खोली, इरशाद बोलने वाला तो कोई है ही नहीं, तो बोल लेता हूँ इरशाद, दो बार बोलते हैं। कि सुबह जब मैंने अलमारी खोली, कि सुबह जब मैंने अलमारी खोली वो खुल गई। कोई बैकग्राउंड तालियां भी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।